नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का मांग था कि मैं सल्फर स्टिक्स बनाने के बारे में बताऊं। दोस्तों सल्फर स्टिक्स के माध्यम से बड़ी आसानी से अमोनिया लीकेज का पता लगाया जा सकता है, छोटे से छोटे लीकेज को भी पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं कि सल्फर स्टिक्स कैसे बनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये सल्फर है और ये पाउडर के फॉर्म में है। सल्फर रोड़े के यानी ढेले के रूप में आता है और इसे पीस कर पाउडर बनाया गया है। तो ये पाउडर के फॉर्म में है क्योंकि ये इसको घुलाना आसान रहता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों सल्फर कई चीजों में इस्तेमाल होता है। बैटरी में जो एसिड लगता है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसे बनाने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ डिटर्जेंट में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर और कीटनाशक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, माचिस में, गन पाउडर में और पटाखे बनाने में भी सल्फर का यूज होता है। तो इतने सारे यूजेस हैं दोस्तों, बहुत सारे यूजेस हैं, अनगिनत है। तो दोस्तों जो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सल्फर जो होता है एक तरह का विस्फोटक होता है और इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो दोस्तों सल्फर स्टिक्स बनाने के लिए हमें दो चीजों का यूज करना पड़ता है, एक तो ये सल्फर हो गया और दूसरा यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का जो सूत्री होता है जो सन से तैयार होता है, तो इस तरह का सूत्री लगेगा। ठीक है, तो ढेर सारे सूत्री लेकर और इसे इस तरह बट लेंगे। ठीक, इस तरह बट कर इसे डबल कर लेंगे इस तरह, तो लगभग एक सूत के मोटाई में इसे बट लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने बट कर रखा है, तो लगभग एक सूत का मोटाई है और लंबाई 6 से 8 इंच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ढेर सारे हम बना लेंगे। तो मैं ढेर सारे यहाँ बना कर रखा हूँ, तो इसका यूज हम करेंगे सल्फर स्टिक्स बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सल्फर स्टिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कभी भी सल्फर स्टिक्स बनाएं तो आउटडोर बनाएं, रूम के अंदर में या बंद कमरे में बिल्कुल ही न बनाएं, बाहर खुले में सल्फर स्टिक्स बनाएं, क्योंकि एक तरह का विस्फोटक है और इसका गंध बहुत तेज होता है जो बर्दाश्त नहीं होगा और ये नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं बाहर आउटडोर स्टोव एक जला लिया हूँ और इसके ऊपर कुछ भी आप एक ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने एक पुराना जो लोहे का तवा होता है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ सल्फर स्टिक्स बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा 10-15 पीस ही बनाता हूँ, अगर आप ज्यादा बनाएं तो थोड़ा बड़ा ले लें। तो मैं इस तरह का तवा ले लिया हूँ। दोस्तों जो फ्लेम है ये लो पर रखेंगे, बिल्कुल ही कम रखेंगे क्योंकि सल्फर जल जाता है। बिल्कुल धीमी आंच पर बनाएंगे इसके। अब इसमें हम सल्फर डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पिघलने लगा है, तो इसको हम पिघला लेंगे हल्के आंच पर, जरा तेज आंच नहीं चाहिए, बिल्कुल ही लो फ्लेम चाहिए इसके लिए। पूरी तरह पिघला लेंगे, जिस देख सकते हैं कि इस तरह पिघल रहा है और ये तरल हो जाएगा जब ये पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और डाल लेते हैं, ये पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा फिर हम इसमें सल्फर स्टिक्स बनाएंगे। दोस्तों कभी भी इसको आउटडोर बनाएं, कमरे के अंदर में, रूम के अंदर में, बंद रूम में बिल्कुल ही ना बनाएं। देख सकते हैं कि पूरी तरह ये पिघल चुका है। अब हम इस तरह कर कर के घुमा देंगे, घुमाते रहेंगे इस तरह। देखिए तो इस तरह बनाकर रखते जाएंगे। इसमें डिप करते जाएंगे इस तरह। इस तरह डिप कर लेंगे पूरी तरह, सभी को डिप कर लेते हैं इस तरह। तो इस तरह
इसको डीप करते रहेंगे और एक कोट चढ़ा लेंगे इसके ऊपर सल्फर का, ठीक है। तो एक एक परत चढ़ रहा है इसके ऊपर सल्फर का, देख सकते हैं। जब ये सूखेगा तो फिर ये पीला हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फ्लेम ज़्यादा था इसलिए ये पिघल कर और सूख गया है, तो ये लो फ्लेम पर बनाना होता है। तो मैं स्टोव का जो फ्लेम है बिल्कुल ही बंद कर दिया है, अब तवा केवल गर्म है, जो ये बर्तन जो है ये केवल गर्म है। तो इस तरह हम बना लेंगे, ठीक है, सभी बना लेते हैं। अब इसमें हम गंधक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो स्टिक्स सूतरी के बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट सूतरी है। तो इस तरह हम बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो देख सकते हैं कि ये हार्ड हो चुका है बिल्कुल ही, देख सकते हैं। तो इस तरह आप सल्फर स्टिक बना लेंगे, देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही हार्ड हो चुका है। अब आसानी से इस स्टिक के माध्यम से अमोनिया का लीकेज का पता लगा सकते हैं। आपको मैं एक बार चेक करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह जलता है। ये बिल्कुल ही हार्ड हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये एक स्टिक जैसा हो गया है, तो इसे सल्फर स्टिक्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे हम जला कर देखते हैं कि ये किस तरह जलता है, और लीकेज का टेस्टिंग भी एक बार करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं सल्फर स्टिक्स को जलाता हूँ और यहाँ से कहीं भी लीकेज होगा तो दिखाई देगा। तो देख सकते हैं कि सल्फर कितना आसानी से इसमें आग पकड़ लिया, और ये ब्लू फ्लेम होता है इसका, बिल्कुल ही ब्लू फ्लेम होता है इसका। तो यहाँ हम देखते हैं कहाँ से लीकेज है, देख सकते हैं यहाँ धुआं उठने लगा है, तो वहाँ से लीकेज है ये। और जहाँ से भी लीकेज हुआ वहाँ से धुआं निकलेगा, यहाँ से भी थोड़ा लीकेज है। तो देखिए कितने स्मोक उठ रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक उठ रहा है, यानी यहाँ से लीकेज है ग्लैंड से। तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से सल्फर स्टिक्स बना सकते हैं और अमोनिया का लीकेज का टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। आपको चिंगारी लेकर गंधक नहीं जलाना पड़ेगा, इस तरह आसानी से ये जलता रहता है, आप चेक करते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।